हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी टाइम टेबल 2021 वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। फिलहाल स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का ही टाइम टेबल जारी किया गया है। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का टाइम टेबल एक दो दिन में जारी कर दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बिलासपुर यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड 2021 को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, साथ ही उत्तर पुस्तिका के फ्रंट पेज एंड सेकंड पेज को भी वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करना है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो बिना स्किप के एंड तक बने रहें। आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के जितने भी डिप्लोमा पाठ्यक्रम है उन सभी कक्षाओं के नियमित स्वाध्यायी भूतपूर्व और एटीकेडी के छात्रों का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन में और क्या क्या खास बात है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही कक्षा का प्रश्न पत्र एक ही तिथि में कई शिफ्ट अधिकतम 6 शिफ्ट में अपलोड किया जाएगा। नीचे लिखा है स्नातक प्रथम एवं द्वितीय, स्नातकोत्तर पूर्व, पीजी सेमेस्टर आदि जो कक्षाएं हैं उन सभी कक्षाओं का टाइम टेबल आज या तो कल जारी कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का टाइम टेबल आज या कल जारी किया जा सकता है। अब चलिए बात करते हैं एडमिट कार्ड की। सभी स्टूडेंट 22 मई 2021 से विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bilaspuryuniversity.ac.in से अपना एडमिट कार्ड इजिली डाउनलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड वहाँ पर बकायदा लिखा मिलेगा। और दोस्तों, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आप चलिए प्रैक्टिकली जान लेते हैं कि आखिर एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट के क्विक लिंक के नीचे ऑनलाइन सर्विसेज का टैब दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एडमिट कार्ड, इस कंप्यूटर वाले चित्र पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये exam.bu.exam.in पर लॉगिन होगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। आप यहाँ पर इजीली देख सकेंगे लास्ट में ऑप्शन फिर से आपको दिखाई देगा डाउनलोड, नीचे में लिखा गया एडमिट कार्ड और नीचे में क्वेश्चन पेपर विदाउट लॉगिन, तो एडमिट कार्ड पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको टैब दिखेगा सर्च एडमिट कार्ड। यहाँ पर पहला टैब में सर्च बाय यूजर आईडी, आधार नंबर, इनरोलमेंट नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। राइट में आपको टैब दिखेगा एडमिट कार्ड टाइप, यानी कि मेन एग्जाम के लिए है या सेमेस्टर एग्जाम के लिए या सप्लीमेंट्री के लिए। तो मेन एग्जाम सेलेक्ट करेंगे। सर्च टेस्ट, यहाँ पर आपको आधार नंबर इंटर करना होगा या अगर आप यूजर आईडी सेलेक्ट करते हैं तो यूजर आईडी का नंबर इंटर करना होगा। राइट साइड में आपको ब्लैक कलर का सर्च एडमिट कार्ड का टैब दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका एडमिट कार्ड शो होने लगेगा और नीचे में प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। प्रिंट पर आप पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए फिर से बात करते हैं नोटिफिकेशन की। यहाँ पर लिखा है समस्त कक्षाओं के प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि के अनुसार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज को ओपन करना है। लेफ्ट साइड में आपको क्विक लिंक का टैब दिखेगा और ठीक उसके नीचे डाउनलोड क्वेश्चन पेपर का लिंक भी दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। छात्रों को प्रश्न पत्र उनके यूजर आईडी पर लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड में नोटिस बोर्ड दिखाई देगा, उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन पेपर डाउनलोड ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद समय सारणी में दिए गए समय अनुसार अपना प्रश्न पत्र इजिली डाउनलोड कर सकेंगे। अब चलिए दोस्तों, इसको भी प्रैक्टिकली जान लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करना है। ऑफिशियल वेबसाइट में आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड क्वेश्चन पेपर लिखा है, उस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं डाउनलोड क्वेश्चन पेपर फॉर मेन एग्जाम 2019-20, यहाँ पर 2019-20 के लिए था। दोस्तों, 25 मई से आपको 2020-21 यहाँ पर लिखा मिलेगा, उस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये resultour.com पर ओपन होगा। यहाँ पर डेट वाइज आपको बहुत सारे लिंक देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर में 25 मई 2021 लिखा होगा और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो लिखा मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, अब चलिए वापस आते हैं नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्न पत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। उत्तर पुस्तिका जमा करने की अंतिम तिथि से एक दिन पूर्व तक परीक्षार्थी अपना प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि प्रश्न पत्र को डिलीट नहीं कर दिया जाएगा। आप लास्ट एग्जाम तक अपना क्वेश्चन पेपर को देख सकेंगे और डाउनलोड करके लिख सकेंगे। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं उत्तर पुस्तिका के कवर पेज को कैसे डाउनलोड करना है। ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर लेफ्ट साइड में आपको क्विक लिंक का ऑप्शन दिखेगा, उसके नीचे में डाउनलोड आंसर शीट का लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने आंसर शीट का फ्रंट पेज डाउनलोड होने लगेगा। आपको उस फ्रंट पेज को प्रिंट करा लेना है और कुल 32 पेज की
की उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करेंगे। आप 32 पन्ने से ज्यादा उत्तर पुस्तिका नहीं बना सकते हो। एंसर शीट के फ्रंट पेज में आपको अपने कॉलेज का कोड भी डालना होगा, इसके बिना जमा नहीं लिया जाएगा। एंसर शीट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना होगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखेगा डाउनलोड एंसर शीट, उस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड होगा, आप यहाँ पर इजिली देख सकते हैं। यही आपका एंसर शीट का फ्रंट पेज और सेकंड पेज है। आप चाहे तो इसे प्रिंट करा सकते हैं। दोस्तों ऊपर में जीएम नंबर लिखा है, उसमें आप अपना कॉलेज का कोड डालेंगे। अपने एग्जाम सेंटर या कॉलेज का कोड आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसमें लिखा रहता है, आप उसे यहाँ पर डालेंगे। दोस्तों इस एंसर शीट का डायरेक्ट लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर दोस्तों आप बात कर लेते हैं उत्तर पुस्तिका के लिए परीक्षार्थी सामान्य A4 साइज का पेज स्टेपलर के साथ में उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अलग अलग उत्तर पुस्तिका बनाना अनिवार्य होगा। मान लीजिए अगर आपके जिले में या फिर इलाके में लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसे सिचुएशन में आप मुख्य पृष्ठ के फ्रंट पेज और सेकंड पेज को अगर प्रिंट नहीं करा पाते हो तब आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप किसी सादे या फिर कोरे पन्ने में सभी बिंदुओं को स्पष्ट रूप से लिख देंगे और जमा कर देंगे। और दोस्तों उत्तर पुस्तिका स्वहस्तलिखित होनी चाहिए, यानी कि अपने ही हैंडराइटिंग में होना चाहिए। टाइप या फोटोकॉपी कोई भी उत्तर पुस्तिका आप जमा करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। और आप चाहें तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कर सकते हैं या फिर कॉलेज में जाकर भी जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन या ब्लेंडेड मोड आधारित परीक्षा परिणाम पर। किसी भी स्टूडेंट को पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना की पात्रता नहीं होगी। जी हां दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक किया है क्योंकि ब्लेंडेड मोड से एग्जाम होगा। और दोस्तों आगे लिखा है समस्त परीक्षार्थी जिन्होंने ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा है वे सभी ब्लेंडेड या ऑनलाइन मोड में एग्जाम देना ही होगा। दोस्तों आगे यहां पर शिफ्ट वाइज क्लास नेम फॉर डाउनलोड क्वेश्चन पेपर दिया गया है। दोस्तों परीक्षा को 6 शिफ्टों में बांटा गया है। अगर मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें तो यहां पर 7 बजे, 9 बजे और 11 बजे, और वहीं दोपहर में भी 3 शिफ्ट रखे गए हैं, जैसे कि 1 बजे, 3 बजे और 5 बजे। दोस्तों नीचे यहां पर क्लास वाइज शिफ्ट दिया गया है, आप अपने शिफ्ट के हिसाब से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और यहां पर कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, यह रेगुलर के लिए भी है, प्राइवेट के लिए भी है और एक्स और सप्लीमेंट सभी स्टूडेंट्स के लिए है। कई स्टूडेंट कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी ये लागू होता है, तो जी हां दोस्तों ये रेगुलर, प्राइवेट, एक्स, सप्ली सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर बीए पार्ट 3 रेगुलर प्राइवेट एक्स सप्ली एग्जाम मार्च अप्रैल 2021 यहां पर दिया गया है। पेपर कोड, डेट, क्वेश्चन पेपर, टाइम टेबल यहां पर शिफ्ट वाइज दिया गया है और नेम ऑफ पेपर, यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर है उसे लिखा गया है। फॉर एग्जांपल यहां पर बीए पार्ट 3 के 25 तारीख को 2 एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश, जिसे 2 शिफ्टों में डिवाइड किया गया है। और दोस्तों ठीक इसी तरीके से बीएससी पार्ट 3 का यहां पर 25 तारीख से एग्जाम शुरू होगा और 30 तारीख को खत्म हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 5 दिनों में कुल 10 पेपर निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों ऑफलाइन एग्जाम में एग्जाम जो है 1 महीने के करीब चला जाता था और 1 महीने में सभी विषयों के पेपर होते थे, लेकिन ऑनलाइन या ब्लेंडेड मोड एग्जाम में सिर्फ 5 दिनों में यहां पर, जो कि मुझे लग रहा है 5G से भी फास्ट है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे एंसर शीट को डाउनलोड करना है, कैसे अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है और 22 तारीख को जब एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा उसे भी कैसे डाउनलोड करना है, ये भी आप सीख चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल में रखे उस बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।